बहुत गुनाह किया है मैंने। समा पाने का बस एक ही मौका है। आखिरी आप पहुंच गया। इस लौंडिया के लिए तो क्या इरादा तेरा? मलिक साहब रीमा को जाने दो वरना जान से मार देगा मुझे, जान से मार देगा। एक बात समझ में नहीं आई शिवा, मैंने तेरे साथ जानवरों से ज्यादा बुरा सलूक किया, तूने बर्दाश्त किया इस लौंडिया के लिए। मेरे भाई की जान ले ली, मुन्ना को मार कर आया इस लौंडिया के लिए। लेकिन मेरी एक बात का जवाब नहीं दिया, व्हाई? तुमने इस लड़की को क्यों नहीं मारा? एक आवाज है जो मेरे कानों में गूंजती रहती है, एक चेहरा है जो मेरे आंखों के सामने बार बार आ जाता है। मेरे दिल का सुकून थी वो, उसी ने कहा था पंछियों को आजाद करो अल्लाह की रहमत होगी, अल्लाह के मखलूक को आजाद करो। उसने कहा था एक मजलूम को आजाद करने का मतलब है सारी इंसानियत को आजाद करना। आज मौका मिला है उसकी बात पर अमल करने का और मैं वही कर रहा हूं। मलिक साहब, जिनके अपने सपने पूरे नहीं होते ना, वो दूसरों के सपने पूरे करते हैं। लेकिन ये बात आप नहीं समझोगे, आप नहीं। तू ये काम इसलिए कर रहा है कि तुझे लगता है कि तू मरते मरते कुछ पुण्य करना चाहता है। तुझे लगता है कि तेरा अल्लाह तुझ पे रहमत बख्शेगा, ऊपर वाला तुझे जन्नत नसीब करेगा। बोल जाए। मलिक साहब, मुझे जन्नत में जगह नहीं चाहिए, मैं बस इस लड़की को इस जहन्नुम से बचाने आया हूं। मैंने तो मौत को खुद चुना है अपने लिए और आपके लिए।